हाय, मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक है पाइल्स, फिजर्स और फिस्टुला। ये पाइल्स, फिस्टुला और फिजर्स क्या है, आपको पहले ये मालूम होना है। सब लोग जो भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं बोलने लगता है, मेरे को पाइल्स है डॉक्टर साहब, बहुत दिन से है, खून जा रहा है, मेरे को क्या करना है, मैं गोली ले रहा हूँ, क्रीम लगा रहा हूँ, नहीं तो जब भी वो ऐसा हो जाता है मैं चिकन मटन खाना बंद कर देता हूँ, नारियल का पानी, बटर मिल्क पीने से थोड़ा अच्छा लगता है। मगर अगर आपको ये पाइल्स है, फिजर्स है, फिस्टुला है, वो डॉक्टर्स को अगर दिखाए तो पता चलता है, क्योंकि पाइल्स अलग चीज़ का रहता है ट्रीटमेंट, और फिजर का अलग रहता है और फिस्टुला का भी अलग रहता है। पाइल्स है, पाइल्स में अगर आपको पाइल्स करके किसी ने बोला है, पाइल्स में आपको दर्द नहीं रहता, सिर्फ खून गिरता रहता है मोशन में। अगर फिजर है तो आपको दर्द रहता है मोशन जाने के बाद, बहुत दर्द रहता है, उसके बाद आपको 2-3 घंटा बहुत सहना पड़ता है वो दर्द के, उसके साथ ब्लीडिंग भी आ जाता है। फिस्टुला में आपको पहले कभी भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना, नहीं तो कुछ लोगों को साल से पहले कुछ पस का एक गड्ढा जैसा होके वो फूट जाता है। वो फूट जाने के बाद आपको तो अच्छा लगता है, वो पस चला गया, अभी क्यूर हो गया करके, बाद में वही जगह पर आपका थोड़ा पून सी जैसा चालू होके वो पस निकलना चालू हो जाता है। आप बोलते हैं डॉक्टर साहब हमेशा अच्छा रहता है, कई कई आपको पस आने जैसा लगता है, कुछ पानी पाने जैसा निकलता है करके, ये सब आप डॉक्टर के पास गए तो पता चलते हैं आपको क्या है करके। जो भी मोशन में ब्लड आता है नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपको पाइल्स है, फिजर्स है और फिस्टुला है, इजीली ट्रीटेबल रहता है। हर किसी को जो भी मोशन में ब्लड होता है पाइल्स नहीं रहता, कुछ लोगों को और 100 लोगों में 10 लोगों को कैंसर का बीमारी भी हो सकता है बड़े अंतड़ियों में, नहीं तो जो भी आपको मोशन के जाने के जगह पे अंदर वो कैंसर होने का चांसेस भी रहता है, और छोटा पॉलिप्स, छोटा छोटा गड्ढा, नहीं तो अल्सर होने का चांसेस भी रहते हैं। ट्रीटमेंट अगर आपको पता चल गया क्या है करके, ट्रीटमेंट अलग रहता है। अगर पाइल्स है तो पाइल्स को ट्रीटमेंट देंगे, अगर जल्दी पता चल गया आपको पाइल्स अभी बिगिनिंग स्टेजेस में है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फूड मॉडिफिकेशन, कुछ दवाइयों से ही कंप्लीट क्योर कर सकता है। अगर आपको लेट में पता चला, कुछ दवाई, कुछ लोगों को सर्जरी का भी लगता है। इसलिए अगर आपको किसी को भी, आपको, आपका दोस्त को, किसी को भी मोशंस में अगर कभी भी ब्लड गिरने लगा, नेग्लेक्ट मत करना, अपने नज़दीक डॉक्टर को, सर्जन को दिखा के प्रोक्टोस्कोपी करके छोटा टेस्ट रहता है, वो अपने बेड साइड पर ही करते हैं, उसमें पैसा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं रहता, उसमें भी आपको 90% डायग्नोसिस मिल जाता है अगर वो टेस्ट करवाया। अगर कुछ लोगों को उसमें कुछ नहीं दिखे तो कोलोनोस्कोपी करके टेस्ट करवा दिया तो आपको जो भी बीमारी है, जो भी रीज़न है मोशन में ब्लड जाने का, पता चल जाता है। एक बार पता चल गया तो उसको जो भी अच्छा ट्रीटमेंट है वो लिया तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ गया तो वो अवॉइड कर सकता है। इसलिए जो भी पाइल्स, फिजर्स और फिस्टुला करके किसी को भी डाउट है तो उसको जल्दी अपना नज़दीक का डॉक्टर दिखाओ, और सलाह लिया तो आपको डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट है, उसको अच्छा ट्रीटमेंट भी करके आपको परमानेंट क्यूर भी दे सकता है। अगर कुछ लोगों को, 10 लोगों को अगर कैंसर भी मिल गया, वो अर्ली स्टेजेस में मिल गया तो ट्रीटमेंट अच्छा रहता है, क्यूर भी हो सकता है। थैंक यू।